नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का, जिसमें होगी चुनावी चर्चा। मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। जहां एक तरफ बीजेपी जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बड़े चेहरों को रणभूमि में उतार दिया है। क्या इस चुनाव का सारा खेल महिला फैक्टर बदल देगी? क्या लाडली बहन योजना बदल देगी सालों का इतिहास? क्या बहनों को मिल रहा मामा का प्यार? ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं जनता के उन सभी मुद्दों पर, जिसको ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश की जनता अपने उम्मीदवार को चुनेगी। आपको बता दे, इस बार महिला वोटरों की संख्या बढ़ते देखा गया है। जी हाँ, इस बार 5 राज्यों में कुल 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें महिला वोटरों की संख्या 7.8% है और पुरुष मतदाताओं की संख्या 8.2% है। तो क्या लाडली बहन योजना कर पाएगी कमाल, या हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे सीएम शिवराज? बता दें, इस बार 60 लाख युवा मतदाता भी मतदान करेंगे, तो देखना यह होगा कि इस देश की कमान संभालने वाले युवा क्या दूसरे युवा राजनेता को चुनेंगे या फिर सीएम की कुर्सी पर किसी और को बिठाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 5 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव बढ़ रही महिला वोटर्स की संख्या और लाडली बहन योजना सालों का इतिहास बदल देगी, और महिलाएं किस चेहरे को अपना सीएम बनाएंगी? इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज तमाम मेहमान मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से, अभिषेक मिश्रा जी सपा से, अनिल वर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं आम आदमी पार्टी से, सुष्मिता राघव जी, आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा सुष्मिता जी आपसे है। जैसा कि इस बार कहा जा रहा है कि महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है, महिलाएं ज्यादा इस बार मतदान करेंगी, 2024 से पहले सेमीफाइनल में कौन मारेगा ये बाजी? हाँ, महिलाएं इस बार इस बार ज्यादा मतदान करेंगी। महिलाएं इस बार हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, और जिस तरीके से महिलाओं का रुझान राजनीति की तरफ और बाहर की कारकारनी की तरफ बढ़ रहा है, उससे ये लगता है कि अब महिलाएं मतदान की ओर रुझान अपना दिखा रही हैं, और एक जुझारू रूप से महिलाएं मैदान में आएंगी मतदान के लिए। और जो 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में जो चुनाव है, करीब 5.5 करोड़ के आसपास, 5.6 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा ही रहेगी। और जो मुझे लगता है कि जो सीटें हैं 230 और बहुमत में जो 116 में आएंगी, तो महिलाओं की एक अलग ही श्रेणी दिखाई देगी आपको मतदान करते हुए। जी, तो महिलाएं किसकी सरकार चुनेंगी सीएम पद के उम्मीदवार के लिए? किस सीएम पद के लिए कौन सा चेहरा चुनेंगी? महिलाओं को कौन सा चेहरा ज्यादा पसंद आ रहा है सुष्मिता जी? अब ये तो आपको चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि महिलाएं किसका चेहरा पसंद करेंगी। ये अभी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। जी, अब ये तो दिसंबर में जब इसका चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि महिलाएं किस तरफ रुझान में हैं। लेकिन बस मैं इतना कह सकती हूँ महिलाओं की तरफ से कि इस बार वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, और अपनी जितनी भी सुविधाएं उनको दिख रही हैं या और जो उनकी मांगे रहेंगी, मुझे लगता है कि वो उसे पूरा करने के लिए जिस भी सरकार को लाने के लिए उनको वादे पसंद आएंगे, और उसको लगेगा महिलाओं को कि ये वादे उनके साथ पूरे किए जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाएं उसी सरकार को चुनना पसंद करेंगी। विवेक जी, हमारा सवाल आपसे है, चुनाव से पहले क्या सोचती है आधी आबादी? क्या लाडली बहन योजना के बाद बीजेपी को मिलेगी कामयाबी? और अगर लाडली बहन योजना को लाया गया है, तो वो चुनाव के ठीक पहले ही क्यों लाया गया? इससे पहले भी सरकार थी, और इससे पहले क्यों नहीं ये योजना लाई गई? जी, चुनाव तो नकली रोज रहते जी। अभी विपक्ष कह रहा था नारी वंदन अधिनियम जी, इस सत्र में क्यों लाया गया जी, इसके पहले क्यों नहीं लाया गया? ये विपक्ष का कुछ इस तरह का रवैया है जी, आप कितनी मेरी पत्नी मेरी पुत्र मेरे बाप, कुछ कुछ किया नहीं,
हम कुछ करते हैं कि सवाल पूछते साहब अभी क्यों किया, तभी क्यों नहीं किया था, उसके पहले क्यों नहीं किया था। देखिए हमारे हाथ में जो चीजें थी हमने कर दिया। इसी तरीके से नहीं तो मुद्दा तो यही है ना कि मतलब वो चाहे जो भी हो, एक अलग मुद्दा वो हो गया विवेक जी, सीधा सा सवाल यही है कि अगर ये योजना लाई गई तो पहले क्यों नहीं लाई गई, पहले भी महिलाएं थी, पहले भी योजनाएं आ सकती थी, उनका लाभ मिल सकता था, पहले भी परेशानियां थी, आज भी परेशानियां हैं, तो पहले क्यों नहीं ये योजना लाई गई। देखिए सोनाली जी, होता क्या है, सरकार की अपनी योजनाएं होती है जी, सरकार उसको समय समय पे जब उसके लिए व्यवस्था बना पाती है उसको लागू करती जी। जैसे हम भारत सरकार की पिछली बार थे तो हमने उस बार देश भर के आतंकवाद को समेट के जम्मू कश्मीर की सीमा में रख दिया। इस बार जब हमारी सरकार बनी तो हम उसको भी समेट करके बारह पे कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के नियमों में छोड़ दी, तमाम मेडिकल कॉलेज खुलने के रास्ते बनाए, सरकार वाली तुमने 370 हटाया। इस तरह जब हमारे पास ताकत आई राज्यसभा में हमको लगा कि हम बहुमत से बिल पास करा सकते हैं तो हमने ट्रिपल तलाक पे भी काम किया, हमने अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी काम किया। इस तरह का तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के बारे में जो आप प्रश्न पूछ रहे, सरकार समय समय पर बहुत सी योजनाएं महिलाओं के लिए ले रही, इन्हीं महिलाओं के काम करने के कारण लोग शिवराज जी को मामा जी कहने लगे, और फिर जब भांजियों की लोग काम करते तो भांजियों ने कहा मामा हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उन्होंने भांजियों के लिए भी तमाम योजनाएं लगाई। तो शिवराज जी के परिवार की तरह से मध्य प्रदेश में प्रदेश चलाते रहे और उनके नेतृत्व में प्रदेश ने अच्छा काम किया है। कौन सी योजना कब आई सरकार की विवेक तो होता, सरकार को जब योजना की आवश्यकता महसूस सरकार ने उस योजना का प्रारूप बनाकर उसका प्रादुर्भाव किया। जिन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया, जिन लोगों के राज्य में ये मुहावरा बन गया था कि जब तक रहेगा प्रदेश वो जिग्गी तब तक जगेगी डिब्बी, अभिषेक जी हमारा सवाल अब आपसे है, अभिषेक जी अब हमारा सवाल आपसे है कि क्या ये सारी योजनाएं जो लाई गई हैं, महिला अधिनियम लाया गया यहाँ पर, फिर महिला बिल की बात करें, अगर आरक्षण बिल की बात करें, तो ये सारी लाडली बहन योजना लेकर के आया गया, ये सब जो एक-एक करके लेकर के आया गया, तो ये क्या कहीं प्री प्लान तैयारी हो रही है चुनाव को देखते हुए कि महिला वोटर्स ज्यादा है इस बार, महिला वोटर्स को अपनी तरफ खींचा जा सकता है? अभिषेक मिश्रा जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। जी जी बताइए। मेरा ये कहना है क्योंकि अभी लगातार पांच राज्यों के इलेक्शन जुमला फेंका गया है, लगातार जो इनके द्वारा जुमले दिए जा रहे थे उसी के कड़ी में एक ये भी जुमला था महिला आरक्षण बिल, अरे लागू करना था तत्काल क्यों, अगर उसकी तैयारी नहीं थी तो विशेष सत्र बुला के क्या आवश्यकता पड़ गई, पहली चीज। दूसरी चीज, अब चूंकि इनके जो स्कीम को पूरा नहीं कर पा रहे तो उसका नाम बदल के नए तरीके से नए फ्लेवर में उसको नए तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है। इनको दिख रहा है हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश जा रहा है, इनको दिख रहा है राजस्थान जा रहा है, ये मिजोरम में जा रहे, छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये केवल जुमले बात है, इसका लाभ फील्ड के स्तर पे कहीं कोई देखने ना मिला है, ना आने वाले समय में मुझे कोई उम्मीद है कि देखने को मिलेगा। विवेक श्रीवास्तव जी अब जवाब दीजिए कि कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो डर गई है और वो इस गठबंधन से और सरकार से जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं उनसे डर गई है, उनको डर लग रहा है कि वो सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। सोनाली जी पहली बात तो विपक्ष का गठबंधन ही नहीं है जी, हर राज्य में अलग अलग दल इनकी चुनाव लड़ रहे हैं, का गठबंधन छत्तीसगढ़ में गठबंधन है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी लड़ रही है, समाजवादी भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, गठबंधन कहाँ हुआ सोनाली जी? ये सब केवल गठबंधन कहके तो भ्रम बना रहे हैं, गठबंधन से हम डरने वाले कौन होते हैं, गठबंधन खुद ही सीबीआई से डर के बनाया गया है जी। जो भ्रष्टाचारी है, जो चोर है,
डर के मारे एक गठबंधन तैयार करते हैं, गठबंधन से परवान नहीं चढ़ता। हाँ मोहब्बत की दुकान है पवार जी है समाज का, उसको फिर इतने अपने पार्टी में लेके पाक साफ कर लिया। तब वो क्या थे, माननीय प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर 24 घंटे पहले आक्षेप किया था, 24 घंटे में उसको बना दिया। जैसे वोटिंग करने वालों चार्जेस लगाया। नहीं तो विवेक जी बात तो साफ है ना, क्या भाजपा में सब लोग बिना आरोप के और बिना किसी उसके बैठे हुए हैं कि वहाँ पे सब लोग एकदम साफ सुथरा है और गंगा जल से धुले हुए हैं? जी सोनाली जी, जी क्या कहा आपने? जी विवेक जी, हम साफ साफ पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा में कोई ऐसा नहीं है जिसपे कोई आरोप सिद्ध हुआ हो, या फिर वो पहले से किसी आपराधिक श्रेणी से आते हो? ऐसा कोई भाजपा में नहीं है कि केवल हम दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाएंगे और उनके उनके आके देखेंगे कि उनके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी है? सीबीआई की रेड तो मतलब वो तो सीबीआई तो अलग काम करती है, ईडी अलग काम करती है, उनको कोई ना कोई सबूत मिलती है तो वो काम करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष में और सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं ऐसे कई लोग हैं जिनके यहाँ ये रेड पड़नी चाहिए। तो विपक्ष का सवाल ये है कि केवल विपक्ष के घर में ही ईडी की रेड क्यों? देखिए सोनाली जी, विपक्ष भ्रष्टाचार में जब ये पकड़े जाते तो कहते साहब हमारे यहाँ डाला तो डाला, उनके यहाँ क्यों नहीं डालते? जी भाई तुम्हारे पास उनके खिलाफ सबूत हो तो पेश करो, संवैधानिक संस्था उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। डाल बजाने से काम नहीं होता, पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता जांचने के लिए न्यायपालिका है, कहीं कोई गड़बड़ी हुई उसके लिए न्यायपालिका है मौके मौजूद। तो ये सब गाल बजाने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार में आतंक डूबे हुए लोग। अभिषेक जी आप इसका जवाब दीजिए कि विवेक जी कह रहे हैं कि आप लोग खाली गाल बजाते हैं, आरोप लगाते हैं। है ये पूरा इंडिया गठबंधन से डरे हुए अभी ये क्या के गठबंधन पे आक्षेप लगा रहे थे। अभी आपने ध्यान दिया होगा 7 सीटों पे उसमें गठबंधन बिना आप ये परिणित होते जितने गठबंधन पूरे स्वरूप में पूरे भारत से साफ हो जाएंगे। बहिष्कार जो संजय सिंह के यहाँ ईडी का छापा डलवाया जा रहा है, जो कुछ बोलते उसके छापा, और अगर कल को इनके दल तो बिल्कुल पाक साफ होकर जाता है। आप यहाँ साथी बैठे हुए हैं, उनसे कहती है इंडिया गठबंधन का पूरा नाम ले ले तो उसमें इनको डर लग रहा है, उसको इंडी जी। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार जी भी हैं, अनिल जी भी हैं, अगर उनसे राय ली जाए कि इस जो ये जो चुनाव होने वाला है उसमें आधी आबादी का अहम रोल होने वाला है, आधी आबादी कौन सी भूमिका निभाने वाली है और वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? अनिल जी अनिल जी आपको आवाज आ रही है? हेलो जी अनिल जी, जवाब दीजिए जी। हेलो जी अनिल जी, जी सवाल दोहराइए जी। अनिल जी हमारा सवाल ये है कि 2023 में जो महासंग्राम होने वाला है, चुनाव होने वाले हैं, उसमें आधी आबादी का अहम रोल होने वाला है, तो क्या आधी आबादी भारी पड़ जाएगी और उनका जो रोल होगा वो किस तरह का होगा और कितना महत्वपूर्ण होगा? हाँ जरूर, जो प्रधानमंत्री ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर के जिस तरह से नारी बंधन अधिनियम पारित कराया उसके पीछे मंतव्य यही है कि जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, और प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में ये कह भी रहे हैं कि उनके द्वारा उनकी सरकार के द्वारा ये विशेष जो विधेयक काफी सालों से लटका हुआ था इसे पारित कराया गया था, उसका इसके पीछे मकसद यही है कि महिलाओं की जो भागीदारी है जो रुकी हुई थी उसे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में इस बात का प्रचार कर रहे हैं, अब उसका कितना असर होता है, प्रधानमंत्री जी की अपील का कितना असर होता है, क्योंकि ये भी विपक्ष के द्वारा खासतौर से राहुल गांधी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो विधेयक पारित कराया गया है इसका कोई असर अभी इस 2024 के चुनाव में पड़ने वाला नहीं है, जब तक अगला चुनाव आएगा तब तक इसकी सारी व्यवस्थाएं हो पाएंगी। इसलिए ये जो विधेयक पारित करवाया गया है लोकसभा में नारी बंधन अधिनियम, उसका कोई बहुत असर इस आने वाले चुनाव में दिखेगा ऐसा कहा नहीं जा सकता।
जी लोकसभा में इसका असर दिख सकता है कि कहीं ना कहीं अगर ये विधानसभा का चुनाव होता है उसमें महिला वोटर्स का मतदान ज्यादा होता है, महिला वोटर्स की भागीदारी ज्यादा होती है, तो क्या कहीं ना कहीं इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? हाँ प्रधानमंत्री जी, इसका प्रचार तो कर ही रहे हैं, अपने हर भाषण में कर रहे हैं, और इसीलिए ये विशेष सत्र संसद का बुलवाया भी गया था। विशेष सत्र बुला करके ये विधेयक को पारित कराया गया है। सरकार अपनी उपलब्धि मानती है और प्रधानमंत्री इसका खासतौर से प्रचार कर रहे हैं कि आधी आबादी को उन्होंने उसका हक दिया है जो सालों से लटका हुआ था, जिसको दूसरी पार्टियों ने अपनी सरकार के द्वारा लटका रखा था, इसको पारित कराने के लिए उसको उन्होंने विशेष सत्र बुला करके पारित कराया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह हक बनता है, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अधिकार दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जाए। ये प्रधानमंत्री अपनी हर भाषण में ये अपील करते हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री जी की अपील का क्या असर पड़ता है और महिलाएं किस तरह से निकल करके मतदान के लिए सामने आती हैं। जी सुष्मिता जी, हमारा सवाल आपसे, आम आदमी पार्टी पर पहले से ही ईडी की तलवार लटकी हुई है, चुनाव में क्या होगी चुनौतियां, कैसा रहेगा सीएम केजरीवाल का हाल? देखिए, ये सभी लोग गठबंधन से पूरी तरीके से डरे हुए हैं और ये न्याय की बात तो बिल्कुल भी ना करें। न्याय का पालिका का मतलब, न्याय का मतलब बीजेपी वालों के मुख से कुछ शोभा नहीं देता है। और रही ईडी की बात, तो ईडी तो बिल्कुल इनके घर की बपौती है, ये जिसके पास चाहते उसके पास भिजवा देते हैं। माननीय संजय सिंह जी के पास इन्होंने ईडी भिजवा दी, इनको देखना चाहिए कि आरोप किसके ऊपर सिर धो रहा है नहीं हो रहा है, वो बाद में देखेंगे। पहले इनके ईडी के जितने भी कर्मचारी कह लीजिए जाते हैं और ईडी के छापा मार के सबको लेके अपने साथ चले जाते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि आरोप सिद्ध होगा, क्या पाया जाएगा क्या नहीं पाया जाएगा। तो ये बीजेपी वालों की अपनी एक अलग नीति चलती रहती है। अब रही महिलाओं की बात, तो ये तो माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी रहे या हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी रहे, तो ये तो हर एक चीज का प्रचार करते रहते हैं, हर बात का। पहले भी इन्होंने अच्छे अच्छे लॉलीपॉप दिए कि 15 लाख आएगा, तो 15 लाख किसके किसके अकाउंट में आया, तो हमारे घर में भी सब लोगों ने खाते खुलवा रखे हैं, लेकिन 15 लाख अभी तक आया नहीं किसी के पास। फिर तो कहते हैं जी, आप खुद भी एक महिला हैं और महिला आरक्षण बिल आया, तो ये तोहफा तो देश भर की सारी महिलाओं को मिला है ना? हाँ बिल्कुल, ये तोहफा हमें मिलेगा, तोहफा तो कबूल है, तोहफे के लिए क्या है जी, लेकिन नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तोहफा तो हमें मिलेगा, लेकिन हमें मिल तो जाए तोहफा, उसके बाद हम तोहफा बताएंगे क्या है, कैसा है, किस लिए अच्छा है किस लिए नहीं है, ये अपने किस किस चीजों में महिलाओं की अपनी भागीदारी करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ सम्मान देना चाहते हैं, कहाँ कहाँ नहीं देना चाहते हैं। अभी तो ये जो बीजेपी के हैं जितने भी लोग, अभी तो कुछ कुछ अलग अलग भाषाएं बोलते रहते हैं, तो अभी आने दीजिए। और इस चुनाव में तो इसका लाभ इनको मिलने वाला नहीं है, ये जो भी बात है 2029 के चुनाव की बात है। अगर ये चाह रहे हैं कि इस चुनाव में इनको लाभ मिलेगा या चुनाव की ये चुनौतियां हैं या चुनाव के आपके तोहफे हैं, तो ये तोहफे चुनाव के लिए अभी तो नहीं काम आएंगे। विवेक जी, आप इसका जवाब दीजिए कि ये जो तोहफे हैं, जो जितनी भी तैयारियां की जा रही है, जितने भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जितना लाभ दिया जा रहा है, साफ साफ कह रही है सुष्मिता जी कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में नहीं मिलने वाला है। देखिए सोनाली जी, सुष्मिता जी समझी जा सकती है, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल पहुंच रहे हैं, उसको बेल नहीं मिल रही, कुछ जेल गेट पे है जी, जेल के अंदर मसाज करवा रहे हैं, इनकी पार्टी का संयोजक कितना झूठ बोलता है जी, 45 करोड़ का मकान बना लिया, कहता था मकान नहीं लेंगे जी, 8 लाख की पर्दे लगाया, 1 करोड़ टीवी लगी है, वियतनाम से संगमरमर लगवाया है, ऐसे झूठों की पार्टी झूठ बोलने की ट्रेनिंग विशेष होती है, इनकी पीड़ा समझी जा सकती है। का एक सांसद जो कभी अपने जीवन में पिक्चर हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करता था जी, वो आदत नहीं थी, अब वो शराब घोटाले कर शामिल हो गया, अब उसको ईडी उठा रहे तो कहते ईडी हमारी घर की है, तो कहते हैं साहब पहले जांच कर लो, नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर महंगे पर्दे नहीं लगे? विवेक जी, किसी के घर इतनी सारी सुविधाएं नहीं है?
8 लाख का पर्दा सोनाली जी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के यहाँ नहीं लगा है सरकारी खर्चे पे, इसकी मैं गारंटी दे सकता। अभिषेक मिश्रा जी जवाब दीजिए। नहीं विवेक जी, बड़े अच्छी तरीके से गारंटी ले रहे हैं इस बात की कि किसी क्या पर्दे में गारंटी नहीं है सुषमा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के शब्द हैं। 8 लाख नहीं, भारतीय जनता पार्टी, आप इस बात को देखिए, ये बात आप नहीं साबित कर सकते हैं कि कौन भारतीय जनता पार्टी का एकदम साफ सुथरा नेता है कौन नहीं है, ठीक है ना। आप क्या कि कुलदीप सेंगर जी अभी तक जेल में है, जो आप हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो वहाँ मसाज करा रहे बैठ करके, आप अपने नेताओं को देखिए जो आपके 376 में चले गए अंदर, अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। अब आपने पार्टी से निकाल दो तो इससे क्या होता है, पार्टी के फिर आपके फिर तो आपके बीजेपी के ना रहे तो आपके बीजेपी के विधायक ना। आप लोग न्यायपालिका की बात करते हैं, आप लोग कहाँ न्यायपालिका को शुद्ध कर पा रहे हैं अभी। सुनने की आदत डालिए। अरे आप बोलिए, सुन तो रहे हैं हम लोग, दिनों से आप भी नहीं सुन रहे हैं, और जो आपको बुलाना चाहता है उसे आप जेल भिजवा देते हैं, जो आपको बुलाना चाहता है आप जेल भिजवा देते हैं, ईडी का छापा पड़वा देते हैं। आप तो आप लोगों को सुनने की आदत कहाँ है, जो सुनाएगा आप जेल भिजवा देंगे। हम थोड़ी बुलाते हैं, चोरी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, हवाला से पैसा ले जाओगे गोवा और पंजाब, तो हम ईडी नहीं ढूंढेंगे तो क्या हमको ढूंढेगी ईडी। जी जी जवाब दीजिए सुष्मिता जी, कि साफ साफ आरोप अब लगा रहे हैं विवेक जी कि अगर आप लोग भ्रष्टाचार करेंगे, घोटाला करेंगे, अगर ऐसी ही सारी चीजें चलती रही तो ईडी का छापा तो पड़ेगा ही। विवेक जी साफ साफ कह रहे हैं कि आपके सरकार में, आपकी जो गठबंधन है उनकी सरकार में घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं देखिए, जो मौजूदा सरकार रहती है जी उसके दूसरे के घोटाले जल्दी दिखाई देते हैं, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि गठबंधन जो हुआ है इससे ये डर गए हैं, ताकि अगली बार जब इनकी सरकार जाएगी तो इनके घोटाले सामने आ जाएंगे, तो ये उस चीज से भयभीत हो रहे हैं। मोहब्बत की दुकान से नफरत का दौरान देखते रहना, इमरान मसूद मोटी मोटी काटने वाले कांग्रेस लेके आई है, ये नाम मोहब्बत की दुकान, काम नफरत का काम, नफरत की सामान बेचना, ये चीज जनता सब देख रही है। आम आदमी पार्टी 8 लाख का पर्दा, आम किस आम आदमी घर में 8 लाख का पर्दा जरा बता दो हमें। अनिल जी इस पर आप क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? आपके पास 8 लाख के पर्दे के अलावा अगर कोई बात हो तो उसे भी बता दीजिए, या खाली 8 लाख का पर्दा ही आपको मालूम है? अनिल जी आप बताइए, क्या इच्छा थी कुछ तो शर्म आती होगी 8 लाख के पर्दे पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जवाब देने के लिए बनता है। हमें तो 8 लाख के पर्दे पे भी शर्म आ रही है, और केजरीवाल में आ रहे हैं, और जिस तरह से ईडी और केजरीवाल कार्रवाई शुरू हुई है इससे निश्चित रूप से एक बड़ा हड़कंप है। और ये वे सारे लोग हैं जो एक बड़े अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जिनकी अपनी एक अलग छवि थी, और लेकिन जिस तरह से ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तमाम से घोटाले साबित हुए हैं, इससे निश्चित रूप से जो आम आदमी पार्टी है उसकी छवि बहुत धूमिल हुई है। और आम आदमी पार्टी की छवि धूमिल होने के बाद में अभी हाल में जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है उसमें आम आदमी पार्टी भी हिस्सेदार है, भागीदार है, तो इससे इंडिया को कितना नुकसान होगा, इतना कितना इस आम आदमी पार्टी कितने दिन इसके साथ चल पाएगी इस गठबंधन, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये जो घोटाले और भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं चुनाव से ठीक पहले, इनका कहीं ना कहीं इनका 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 असर पड़ना स्वाभाविक सा है, और इससे नुकसान भी गठबंधन को उठाना पड़ सकता है, गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है अनिल जी। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, तो ये बड़े चेहरे हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। हाँ यही बात है, और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, इनकी अपनी एक अलग छवि थी, अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग थे, विशेष रूप से बहुत एक अलग तरीके की राजनीति लोग करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से घोटाले साबित हुए हैं मनीष सिसोदिया पर या संजय सिंह पर, उससे निश्चित रूप से
जो राजनीति के प्रति और जो अच्छी राजनीति के प्रति लोगों ने धारणा बनाई थी वो निश्चित रूप से उस पर कुठाराघात हुआ है और लोग से सोचने को मजबूर हुए हैं कि राजनीति तो राजनीति है और अच्छी राजनीति की बात करके ये लोग राजनीति में आए और जो घोटाले और भ्रष्टाचार दूसरे लोग करते थे दूसरी जगह से जिस तरह की बातें सुनाई पड़ती थी वो सारी बातें आम आदमी पार्टी के खेमे से भी सुनाई पड़ रही हैं और जब ये सुनाई पड़ रही हैं तो निश्चित रूप से इसका असर इसका नुकसान गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। और अब यही देखने वाली बात होगी कि इन सारी चीजों के चलते हुए आम आदमी पार्टी कितने दिनों तक इस गठबंधन में चल पाती है, लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन से अलग होती है या जब तक अभी और चीजें फाइनल तब तक आम आदमी पार्टी गठबंधन में रह पाती या नहीं रह पाती ये देखने वाली बात होगी। अभिषेक मिश्रा जी, हमारा सवाल अब आपसे है क्योंकि ये बात अब गठबंधन पर आ गई है और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या गठबंधन में फेरबदल देखा जा सकता है और क्या उस पर भी भारी असर पड़ सकता है? देखिए ऐसा है कि गठबंधन को लेकर रणनीति फाइनल हो रही है, इंडिया गठबंधन की रेगुलर मीटिंग चल रही है, ये हायर लेवल डिसीजंस होते हैं कि हमको इसमें क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको लेके अभी हमारे स्तर से किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं किया जा सकता। इस पर इसे देखते हुए हर पार्टी अपने नफा नुकसान का आकलन करते हुए ही गठबंधन करती है और जब एक माइंडसेट के साथ सब लोग एक गठबंधन के लिए आए हैं तो ये विश्वास मानिए कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम अंत तक इस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, ये हमारी तरफ से पूरी उम्मीद है। और आज इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो मुझे लगता है कि हम लोग लास्ट तक गठबंधन में रहेंगे। सुष्मिता जी, आपको क्या लगता है कि गठबंधन से किनारा हो सकता है आम आदमी पार्टी का या आम आदमी पार्टी से गठबंधन किनारा कर सकती है? जैसा कि अनिल जी ने अभी बताया कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, ईडी की रेड हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं गठबंधन पर असर देखने को मिल सकता है। नहीं, हम बिल्कुल गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। अगर ये कहना चाहते हैं कि हमें पर्दों से नुकसान हो रहा है तो इनको ये समझना चाहिए कि केजरीवाल जी के स्कूल से इनको फायदा भी होगा, जो उनका रोल मॉडल है, जो कि हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं उससे भी इनको फायदा होगा और जो जितनी भी हमारी नीतियां हैं आम आदमी पार्टी की, जिससे कि दिल्ली लगातार चल रही है, पंजाब चल रहा है, जिसमें फायदा मिला है लोगों को, जिसमें फरिश्ते स्कीम है, जिसमें आपकी महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा है, जिसमें रोजगार है बेरोजगार हमारे युवाओं के लिए, हमारी पढ़ाई है जिसमें कि हमें बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, अच्छे अच्छे जो सरकारी स्कूल हैं, तो इसका फायदा इनको बिल्कुल मिलेगा और मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि गठबंधन में ये एक जरूर मुद्दा रहेगा कि जो केजरीवाल जी के मॉडल्स हैं वो सामने आए, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और आपके मन से मैं भी कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हम गठबंधन का हिस्सा जरूर बने रहेंगे। और ये ईडी से हमारे संजय सिंह जी या हमारे नेता सब डरने वालों में से नहीं है, वो सब उन्हें पता है कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है। जब ये साबित होगा तब ये मालूम चलेगा, पता चलेगा कि हम हिस्सा है कि नहीं है, लेकिन अभी हम लगातार हिस्से में बने हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, साफ तौर पर यहाँ पर बात यही निकल के आ रही है कि ईडी की रेड बस यूं ही पड़ी थी मुद्दे को भटकाने के लिए और गठबंधन को तोड़ने के लिए, ऐसा कि सुष्मिता जी जैसा कि बता रही है कि ईडी की रेड बस यूं ही पड़ी थी, ऐसा कोई आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है? सोनाली जी, सतेंद्र जैन 1.5 साल से जेल में, 2 दर्जन उनके जमानत की दरखास्त रिजेक्ट हुई और अब वहां मसाज पार्लर चलाने लगे हैं तिहाड़ जेल में। मनीष सिसोदिया जी पूछताछ के दौरान हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबका दरवाजा खटखटाए, कहीं से उन्हें रिलीफ नहीं। अभी कुछ दिन पहले उनकी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगी तो उसमें भी कोई फैसला नहीं हुआ। स्थिति है कि न्यायपालिका इनकी भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं सहमत दिखाई देती, जहां इन्होंने भ्रष्टाचार किया ईडी सीबीआई की कार्रवाई इनके ऊपर जाए। ये आम आदमी की बात करने वाले लोग कि अन्ना के चेले जो अन्ना को धोखा दे के पार्टी बनाए, कौन से आम आदमी के घर में सोनाली जी 8 लाख का पर्दा रखता है, किस आम आदमी के घर में 1 करोड़ का टेलीविजन दिखता है और किस आम आदमी पार्टी के घर में वियतनाम से मरमर राखी लगता है? ये अपने नाम को ही धोखा देने वाले लोग हैं जो इन्होंने अपनी पार्टी का। अभी आपने अन्ना जी की बात की, विवेक जी अभी आपने अन्ना जी की बात की, तो क्या धोखा दिया था केजरीवाल जी ने अन्ना जी को? अन्ना जी के साथ ये लोग लगे थे लोकपाल करते करते, फिर वहां से निकल के इन्होंने अन्ना की बिना अनुमति के पार्टी बन गई।
जबकि इनकी पार्टी के खिलाफ से अन्ना दिया, किसी राज्य की तरफ से निर्माण की, अन्ना को धोखा देकर के इन्होंने पार्टी बनाई और आम आदमी पार्टी नाम रखा और आम आदमी लोगों को ही, आम आदमी को ही धोखा दिया। किसी के आम आदमी के घर में अगर 8 लाख का पर्दा हो तो आप बता दें। सुष्मिता जी आप इसका जवाब दीजिए, साफ साफ कह रहे हैं कि पहले अन्ना को अगर धोखा दिया तो गठबंधन को भी तो धोखा मिल सकता है और गठबंधन फिर कैसे चलेगा? विवेक जी ऐसा ही कह रहे साफ साफ। ये बताइए कि ये बार बार धोखे की बात करते हैं और वफादारी तो इन लोगों के पास है ही नहीं। अब हम लोग अगर पुरानी बात करें, अडानी जी की बात करें, औरों की बात करें, तो धोखेबाजी तो इन लोगों के खून में है, कब से धोखा देते चले आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अब हमारे एक बात ये बताइए कि अन्ना जी को धोखा दिया तो आज तक अन्ना जी ने तो आकर के नहीं कहा कि मुझे धोखा मिला है। आप जवाब दीजिए विवेक जी, अन्ना जी ने तो ऐसा नहीं कहा कि उन्हें धोखा मिला है। अन्ना जी ने कई अवसरों पे स्पष्ट किया है, अरविंद केजरीवाल से मिलने से भी इनकार कर दिया है जी। अब ये आपके पास आंकड़े ज्यादा होंगे, हमारे पास तो आंकड़े नहीं है कि अरविंद जी को मिलने के लिए। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, युवाओं को शराब पिलाने के लिए उन्होंने उम्र कम कर दी दिल्ली में, शराब से पैसा ज्यादा आया, सरकारी खजाने में कम हुआ, शराब घोटाला हुआ, वो पैसे हवाला के जरिए गोवा के चुनाव में लगाए गए, आम आदमी पार्टी शराब की बात ना करें, पूरे हिंदुस्तान सुन लीजिए शराब की बात आप मत करिए। अरे सुनिए, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा था तो सबसे पहले आपने शराब को खोला था, तो रेवेन्यू किसके पास आ रहा है, कौन उसका फायदा उठा रहा है, ये सारा देश जानता है, इसको आप मत बताइए। सर प्रथम आपने शराब के ठेके खुलवाए थे जब लॉकडाउन लगा था, तो इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले खुलवाने के फिर अरविंद केजरीवाल ने की रिकॉर्ड देख के बाद किया करिए, दो मुख्यमंत्री थे भारत जिलों ने लॉकडाउन में शराब के ठेके खोलने की मांग की थी, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब, एक आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और किसी मुख्यमंत्री ने शराब ठेके खोलने की मांग लॉकडाउन में सबसे पहले नहीं की थी। क्या उत्तर प्रदेश में ठेके बंद थे विवेक जी? क्या उत्तर प्रदेश में, आप भी आंकड़े देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में ठेके बंद थे? झूठ मत बोला करिए, आम आदमी पार्टी के चलित अपने कार्यालय तक रखिए, ये लोग भारत सरकार का अपील करने वाले लोग है, दिशा शराब ठेके खुलवाइए। इसमें सफाई और झूठ बोलने की बात ही नहीं है, आप लोग तो दूसरों को झूठा ही साबित कर रहे हैं। झूठ बोलने वाला ये 25 सवाल आप कार्यालय में क्या कर सारा विपक्ष झूठ बोलता है, आप लोगों के हिसाब से सारा विपक्ष झूठ बोलता है। अब आने वाले चुनाव में आप लोग तैयार विपक्ष पूरा एक साथ अभिषेक मिश्रा जी साफ साफ विवेक जी कह रहे हैं कि जो विपक्ष है, जो गठबंधन है, वो चोर है, केवल भ्रष्टाचार करती है। अभिषेक मिश्रा जी जवाब दीजिए, अराजक कहा जा रहा है, चोर कहा जा रहा है, भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है, जितनी भी इतनी सारे टाइटल दिए जा रहे हैं यहाँ पैनल पे बैठ करके, जितना भी गठबंधन है जो आपकी सरकार है, कुछ जेल में है, कुछ बेल में, कुछ जेल की गेट पे, सुना लीजिए। सुष्मिता जी जवाब दीजिए, सुष्मिता जी जवाब दीजिए, चोर कहा जा रहा है, भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है? देखिए ये तो भ्रष्टाचारी चोर जो कह रहे हैं, ये तो अभी इनका बार बार कहना है कि सुना नहीं जा रहा है, अभी हमारे नेताओं को सुना नहीं जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रही है, ये तो कोर्ट का मसला है, ये कोर्ट साबित करेगा कौन चोर है, कौन सिपाही है, कौन चौकीदार है, ये तो आगे साबित हो जाएगा। अभी तो आप ये बात करिए कि आप चुनाव की बात करें, अभी चुनाव में आपका क्या होगा ये देखना बनता है। जो हमारे नेता इस वक्त जेल में है, उनको बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो माननीय न्यायालय तय करेगा, उच्च न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय तय करेगा, आप लोग कैसे तय कर सकते हैं? आप ये देखिए कि आपके चुनाव में आपको कौन कौन बाजी मारने वाला है। अनिल जी हमारा सवाल अब आपसे है, अनिल जी ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो ओपिनियन पोल में कांग्रेस अभी फिलहाल आगे चल रही है, और पहले से भी अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस का जो है वो शासन मजबूत रहा है, इतिहास मजबूत रहा है, और बीजेपी कह रही है कि वो सरकार बनाएगी। अनिल जी आपको हमारी आवाज आ रही है?
सुष्मिता जी आप बताइए, भाजपा कह रही है कि मध्य प्रदेश में वो अपना सरकार बनाएगी, जबकि कांग्रेस अभी फिलहाल ओपिनियन पोल की बात करें तो कांग्रेस ज्यादा आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब ऐसा होता है, इनके पास तो पहले से ही सारी चीजें रहती हैं, सारे आंकड़े रहते हैं, ये पहले से बता देते हैं कि हम इतनी सीटों से जीत रहे हैं और फिर उतनी सीटों से ये जीत जाते हैं। अब ये तो सारा देश जानता है कि इनके पास आंकड़े कहाँ से रहते हैं और कौन सी बातों से इनका ये रहता है कि नहीं हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और इतनी सीटों से बनाएंगे, ये भी इनको मालूम रहता है जी। तो अब ये तो देखने वाली बात है कि अब चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन कितनी सीटों से आगे क्या है, लेकिन आंकड़े इनके पास पहले शुरू से होंगे। विवेक जी, सुष्मिता जी ने धोखाधड़ी का भी इल्जाम लगा दिया है अब कि आप लोगों को पहले ही से पता रहता है कि आपकी कितनी सीटें आने वाली हैं, आप कहां से जीत हासिल करने वाले हैं और कहां से नहीं। सोनाली जी, ये ध्यान हवा हवा ही नहीं होता, जब जमीन पे आप होमवर्क करेंगे, जमीन पे आपका काम होगा, काम बोलता है, काम की वजह से हमको जानकारी होती है कि हम कहाँ जीत रहे हैं, कहाँ हार रहे हैं, कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर है जी। ये आम आदमी पार्टी वाले और खासकर कांग्रेस को तो इनकी कभी तमीजी नहीं आएगी, क्योंकि ये लोग हवा हवाई लोग, इनका जमीन पे कोई काम नहीं है। शराब घोटाला करने वाले लोग, ये पिछड़ों को गाली देने वाले लोग, इन्हें जमीन से कोई कभी इनका सबका नहीं पड़ता, इतनी चीजें समझ से परे हैं। हम अपने काम के दम पे, अपने नेताओं के चेहरे पे, अपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे और हमें जीत प्राप्त होगी। लोकतंत्र है, जनता जनार्दन होती, जनता का आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त हुआ है, आगे भी प्राप्त होगा। सुष्मिता जी, अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के युवराज हैं वो कांग्रेस की खटिया खुद ही खड़ी कर देंगे, क्योंकि उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही है और जातिगत जनगणना कराने की बात कही है। देखिए, अगर हम गठबंधन की बात करते हैं तो हमें आगे ये देखने को मिलेगा कि कौन कहां क्या कर पा रहा है, और जहां ये बता रहे हैं कि जो है ये नेता जो है विपक्ष के वो सब मंच से गाली देते, तो सारा देश जानता है, माने केजरीवाल जी किस तरीके की बात करते हैं, किस तरीके का भाषण देते हैं। आज तक उन्होंने अपने किए हुए काम कार्यों के अलावा किसी दूसरी बात का जिक्र ही नहीं किया, ये पूरा देश जानता है। तो इसका जवाब तो अब चुनाव में ही मिलेगा, इसका जवाब इस तरीके से बात करने से, दूसरे पे आरोप लगाने से नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। तो केंद्रीय, आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है और उसके बाद से सियासी गलियारे में हलचल काफी तेज है, जिसमें मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को कुल 230 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 90 सीटों पर, राजस्थान में 23 नवंबर को 200 सीटों पर, तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 सीटों पर और मिजोरम में 7 नवंबर को 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। अटकलें लगती रहेंगी, पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपना अपना दमखम भी दिखाएंगी, लेकिन कौन बनेगा कुर्सी का असली हकदार, किसके सर सजेगा ताज, देखना अभी बाकी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चुनाव के हर मुद्दे पर रहेगी हमारी खास नजर। तब तक के लिए नमस्कार।